वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दसरा फिल्म के चौथे दिन या फिर कहें पहले संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो जब कभी भी किसी बड़ी फिल्म का संडे आता है तो हर किसी की नज़रें टिकी होती हैं कि संडे को वो फिल्म कितना बड़ा जंप लेती है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि फिल्म अगर ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली संडे को भी जो है एक बहुत बड़ा जंप ज़रूर लेगी। अब अगर दसरा फिल्म के बारे में हम बात करें और अगर ओवरऑल कलेक्शंस को हम देखें तो सैटरडे के मुकाबले फिल्म को संडे को जो है जंप नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा बट फिल्म को कोई बड़ा जंप नहीं मिला है, बट जंप वहां पे मिला है जहां पर फिल्म को जरूरत थी, यानी कि हिंदी डब्ड वर्जन में। और ये जंप ऐसा है कि देखकर एक भरोसा जरूर मिल जाता है कि हाँ, अगर फिल्म अपने आप को संभालती है इस वीकडेज पर तो आगे जाकर फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस जो है एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे खत्म हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डे वाइज शेयर कलेक्शंस के साथ। तो पहले दिन फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 14.22 करोड़ का शेयर कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 5.86 करोड़ का शेयर कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने जंप लेते हुए 6.73 करोड़ का शेयर कलेक्शन किया और चौथे दिन फिल्म ने जो है 6.72 करोड़ का शेयर कलेक्शन किया, यानी कि सैटरडे के मुकाबले बिल्कुल सेम कलेक्शन जो है संडे को भी आया है। यानी कि फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही स्टेडी तरीके से यहां पे परफॉर्म कर रही है। और क्योंकि फिल्म ने इतना बड़ा ओपनिंग लिया था तो फिल्म ऑलरेडी जो है हिट के कगार पे आ चुकी है। बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के टोटल यहां पर शेयर कलेक्शन की तो चार दिन में फिल्म ने जो है 33.53 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 56.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। निजाम में फिल्म जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से परफॉर्म कर रही है। आपको बता दूं कि चार दिन में ही जो है निजाम से फिल्म ने जो है अराउंड 4.62 करोड़ का केवल प्रॉफिट कमाया है, जहां पर टोटल शेयर कलेक्शन केवल निजाम से ही जो है 18.32 करोड़ का आया है। बाकी जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर अभी तक ब्रेक इवन पूरा नहीं हुआ है, बट ब्रेक इवन के लिए अब जो है बहुत ही कम नंबर्स बाकी हैं। 50 लाख तो कहीं पर 20 लाख रुपए जो है बाकी हैं, जो कि मेरे हिसाब से वीक डेज में आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो चार दिन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से फिल्म ने जो है 33.53 करोड़ का शेयर कलेक्शन किया। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की तो चार दिन में फिल्म दशरा ने वर्ल्ड वाइड 47.13 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 84 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करते हुए केवल और केवल चार दिन में ही जो है 96% की जो है रिकवरी कर ली है। यानी कि फिल्म को अब एक हिट का टैग लेने के लिए सिर्फ 1.87 करोड़ का शेयर कलेक्शन करना बाकी है। तो सिर्फ वीकेंड पर ही एक हिट का टैग हासिल कर लेना ये हर कोई नहीं कर पाता है, बट नानी की फिल्म दशरा ने जो है वो हासिल कर दिखाया है। अब अगर बात करें हिंदी वर्जन की तो हिंदी वर्जन के पहले तीन दिन के जो है कंप्लीट क्लियर फिगर सामने निकल के आ चुके हैं, जहां पर फिल्म ने पहले दिन 53 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन फिल्म ने 43 लाख का नेट कलेक्शन किया और तीसरे दिन यानी कि शनिवार का जो फाइनल फिगर आया है वो है 65 लाख का। यानी कि तीन दिन में फिल्म ने जो है 1.60 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर लिया था। अब अगर बात करें संडे की तो जैसा कि एडवांस बुकिंग लेवल पर ही पता चल रहा था कि संडे को फिल्म हिंदी वर्जन में एक अच्छा जंप ले सकती है और वैसा ही हुआ। आफ्टरनून और इवनिंग ऑक्यूपेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 16% के आसपास चल रही थी और इसी का एक नतीजा है कि जो अर्ली एस्टिमेट्स यहां पर फिल्म की हिंदी वर्जन के लिए निकल के आ रहे हैं वो है अराउंड 81 लाख के। यानी कि फिल्म दशरा ने जो है चार दिन के अंदर अंदर ही जो है केवल अपने हिंदी वर्जन से 2.42 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन यहां पर कर लिया है। डीसेंट ओपनिंग इसे मानी जाएगी। अब इस डीसेंट ओपनिंग को जो है किस तरीके से फिल्म होल्ड करती है वो देखने वाली बात होगी। अगर फिल्म वीक डेज में जो है हर रोज 30-40 या फिर किसी दिन 50 लाख का भी अगर नेट कलेक्शन निकालती है और फ्राइडे को फिर से एक अच्छा जंप लेती है, सैटरडे संडे को एक अच्छा सा जंप लेती है, तो मुझे लगता है कि जो टोटल या फिर कहें जो ब्रेक इवन उन्हें हासिल करना है उसे करने में जो है ये कामयाब हो सकते हैं। कलेक्शंस के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली है तो डेफिनेटली एक हल्का फुल्का वर्ड ऑफ माउथ भी क्रिएट हुआ होगा। अब वर्ड ऑफ माउथ आने वाले या फिर इस पूरे हफ्ते में किस तरीके से काम करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें फिल्म दशरा ने चार दिन के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, तो देखते हैं ये पूरा हफ्ता फिल्म का किस तरीके का गुजरता है। फाइनल फिगर्स आज के दिन के जो आएंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिल्मी टॉक एपिसोड में जो है वो बता दूं। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।